क्या भाई, ये हर वक्त भाई कलाकार आ गए भाई, कराची के चढ़ते हुए कलाकार जो हर वक्त बैग रहते हैं, ऐसा लगता है जहाज में आया है। मैं क्या F-16 में आया है, मसरूर बेस पे जहाज उतरा है तेरा, क्या करके आ रहा है हमारी जिंदगी में, पैक ही रहता है, हर वक्त पैक रहता है। मुझे बताओ तो वीडियो बना रहा हूँ। अबे वीडियो बना रहा हूँ तो हरकत तो देखो, एंट्री ऐसी होती है हम डर गए, जहाज वहाज में आया, हेलमेट तो देख इसका, तिब्बत लगा के पाउडर लगा के दुनिया जहाज की चीजें कॉस्मेटिक दे रहा है, बिक रहा है सबसे ज्यादा, और दाना भी निकल गया। लो भाई एक्सपायर लगा दिया इसने। यार असल में कराची में आपको पता है रोड इतने डैमेज रोड हैं, यकीन करें। मैं तो थोड़ा और आगे जाता मेरे वाईफाई के सिग्नल भी खत्म हो जाते यार। वाईफाई के सिग्नल कहाँ से वायरिंग कराई है तूने? कौन सी वायरिंग चल रही है अंदर? वाईफाई नॉर्मल आदमी होता है, पफ तो देखो बुड्ढे। ये तो जेल स्प्रे लगाया, वो हेलमेट है ना बेटा, ये कुदरत के मामला में नहीं दखल अंदाजी कर, जैसा अल्लाह ने दिया उसमें क्यों लगा रहा उल्टे सीधे तेल? देखा तेल क्या कर, तेल कौन सा कान पे बाल आ रहे हैं तेरे? तेल कौन सा लगा लिया, कहाँ पे बाल आ रहे भाई? ये कान पे देखे आप इसके इतने बड़े बड़े बाल है, इसका बुढ़ापा बड़ा गंदा होगा भाई, बहुत गंदा बुढ़ा होगा ये, कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, गंदा तरीन बुढ़ा, पजामा और कुर्ता होगा, गला हुआ पसीनों से, कोई बराबर नहीं बराबर बैठेगा भी नहीं भाई। अभी तो जितना फैशन दिखा रहा है बरकत उज़्मी, देखिए मेरी बात सुने, ये है बरकत का शागिर्द, क्योंकि मैं इसकी इसलिए कदर करता हूँ क्योंकि उसका उस्ताद बरकत है, और आई लव बरकत, क्योंकि बरकत जो है वो इतना खतरनाक है, 10,000 फंक्शन उसके खोपड़े के अंदर, उसका भेजा बिकेगा, करोड़ों रुपए लग चुके हैं उसके दिमाग के, लेकिन उसको देंगे ना कोई, यही है गरून नहीं कि हमने के पाकिस्तान के बाद से हमने बताएंगे अमेरिका को कि बरकत यहाँ रहता है। इसने कुर्बानी दी, इसको ढाके ले गए थे, लेकिन इसने बोला नहीं कि बरकत भाई कहाँ रहते हैं, ऐसा ही है, ये खास आदमी है बरकत का। और तुम भी नहीं बोलोगे? मैं क्यों बोलूंगा भाई, मेरा तो भाई है यार, हमारा प्राउड, हमारा फखर। हाँ ये लूसन की गड्डियां इसके खाल पे लगा दो, हमारा प्राउड। चले भाई दुआओं में रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।